स्वामी जी, जरा आगे बढ़ते हैं। सावन की सोमवारी व्रत महिलाएं इसलिए रखती हैं कि उनके पति और परिवार में और लोगों की जो उम्र है वो लंबी रहे, सेहतमंद रहें। उपवास तो ठीक है स्वामी जी, क्योंकि इससे ऑटोफैगी प्रोसेस बॉडी शरीर में शुरू होता है और फिर अच्छी सेहत के साथ साथ जो शरीर में गंभीर बीमारियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ स्वामी जी, ये समझाने की ज़रूरत है लोगों को कि अपने और परिवार की सेहत उनके खुद के अपने हाथ में है और ये सही खान पान से जुड़ी है। और वैसे भी बारिश के इस मौसम में गैस, एसिडिटी जैसी जो परेशानी है वो कई बार इमरजेंसी सिचुएशन तक बना देती है। तो देखो, टेस्टिंग 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 माइक। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, आज व्रत दिलाऊंगा मैं सबको, एक बार ही खाएंगे, जो ज्यादा खाना खाएंगे अगले जन्म में भूखों मरेंगे। अब इस जन्म में तो उनके पास पैसा ढेला अच्छा, जमीन जायदाद है, तो इस जन्म तो भूखों नहीं मरेंगे, इस जन्म तो बीमार होंगे और बीमार होकर के मरेंगे। जो ज्यादा खाना खाएंगे, जिनकी उम्र 40-50 साल से ज्यादा की है, क्या बोला, जिनकी उम्र 40-50 से ज्यादा की है, एक बार से ज्यादा खाना नहीं खाना। दोपहर का खाना खाएंगे, शाम को फलाहार करेंगे 5-7 के बीच, और पेट को अच्छा रखने के लिए पवन मुक्तासन और मंडूकासन करेंगे। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, एक बार खाने का व्रत लेंगे और इससे इंटरमिटेंट उपवास हो जाएगा, 5-7 के बीच खा लेंगे, अगले दिन 9 बजे ही कुछ अंकुरित कुछ जूस या फल ले लेंगे। एक बार का भोजन, सुबह का थोड़ा सा फलाहार और शाम का भी साग सब्जी फलाहार, तो ये नित्य उपवास हो जाएगा। उपवास उससे ऑटोफैजी माइटोफैजी अच्छी होगी, कभी बीमारी नहीं पड़ेगी, फिर इतनी ताकत आ जाएगी, जितनी ताकत इन छोरों में आ रखी है, क्या गजब है भाई है? अभी अभिषेक ने और मिलन ने गजब डाल रखे बरसात में, और इधर देववाणी जी और देवस्तुति जी भी डटी हुई है, वो भी हमारी छोरी, अभी छोर तक कब नहीं है भाई, चाड़ा पाटर योग हो रहा है, गजब हो गया भाई। क्या बात, क्या बात है सब। तो देखो, ये तो बहुत जोरदार मामला है ऐसे, और ऑटोफेजी और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी भी पूरी बनेगी। ऑटोफेजी माइटोफेजी ऑटोमेटिकली हमारा एक सेल में पूरी एनर्जी, भरपूर ऊर्जा पैदा होगी एक एक टिश्यू ऑर्गन में, ना लीवर पर, ना किडनी पर, ना पेनक्रियाज पर, ना लंग हार्ट ब्रेन थायराइड पर, ना चर्म पर, ना हमारी स्किन पर, ना हड्डियों पर, ना मांसपेशियों पर, ना स्नायुओं पर कोई समस्या आएगी नहीं। सैकड़ों बीमारियां पैदा होती हैं जब हम ज्यादा आहार लेते हैं। तो 3 व्रत लेने हैं आज, एक समय खाना खाने का व्रत, 1 घंटा योग करने का व्रत, सुबह 4 बजे से 8-9 बजे तक का आपके पास समय, शाम को भी 6-7 बजे से लेकर के 10 बजे तक का समय, उस समय तमाम तरह के बकवास सीरियल देखते हो, इधर उधर चुगली पुराण में लग जाते हो, निंदा पुराण में, देवरानी जेठानी और ना के मिले तो सास और ससुरे को ही पेल देते हो, हरियाणा में तो रहे ससुरा और ससुराल गाड़ी हो गया। तो देखो, ये फालतू की चीजों में मत लगना, योग करना, तो योग का प्रति बनना, एक समय आहार करने वाला व्रत लेना, और साथ में सदा व्रति, सदाचार पर चलने वाले, एक व्रति सदा व्रति और सदाचार पर चलने वाले, ये सदा व्रति सदाचार पर चलने वाले बनना है आपको। फिर कोई यज्ञ का व्रत ले ले, गो सेवा का, गो व्रति हो जाए, यज्ञ व्रति हो जाए, सेवा व्रति हो जाए, तो फिर तक कहना ही क्या, जैसे हम यहाँ कावड़ियों की भी सेवा कर रहे हैं, बाहर मत जाना, गेट पर तुम्हारी एंट्री बैन है, वहाँ हलवा मकरा, हलवा पूड़ी जलेबी, और बड़े बाबा जी यहाँ जो है काढ़े करते काढ़े पिला रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, तारीफ करनी होगी कि किस तरह से आपके जो तमाम यहाँ पर शिष्य हैं गुरुकुल के, स्वामी जी इस बरसात में भी चल रहा है, इतने कठिन योग कर रहे हैं स्वामी जी, वाकई में हम तारीफ करते हैं आपका जो ये प्रयास है, और जिस तरह से आपके जो तमाम छात्र शिष्य जो वहाँ पर मौजूद हैं,
उनके भी मैं कहता हूँ कि एक तपस्या है उनकी, उसको प्रणाम करते हैं। और ये तपस्या स्वामी जी हमें भी करनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ पे जो जलेबी हलवा पूरी की तस्वीरें हैं आपके कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं और हम यहाँ पर केवल देख पा रहे हैं। क्या बात है, स्वामी जी एक और विषय में शामिल कर लेती हूँ। चक्रासन में दंड, ये तो पहली बार देखा मैंने, इसलिए मैंने कहा गजब ढा दिया जी मेरी बहन, गजब ही ढा दिया। सच में आपने बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी, बारिश के मौसम में धूप भी कम मिलती है और धूप अगर कम मिले तो फिर इसका असर मसल्स और हड्डियों पर भी पड़ता है, तो स्वामी जी ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मैं आपसे पूछ रही थी ना, बारिश में योग करने अकड़ तो नहीं जाएंगे ये, तो दूसरों को अकड़ा दे। स्वामी जी इतना कठिन आसन कर रहे हैं स्वामी जी, लगातार आपके बच्चे स्वामी जी, इनको जरूरत पड़े तो ब्रेक दे दीजिए, क्योंकि लगातार बारिश में वो निरंतर योग किए जा रहे हैं, कठिन योग। योगी आत्माएं, अरे वो अमित डर गए, ये योग करके बीमार तो नहीं हो जाएंगे, बोले इनको बोल दो भाई थम जाएं। अब ये डरने वाले बच्चे नहीं है, फिसलना मत बेटा, हाँ आराम से करना। एक एक को करो करो, हाँ फिसलोगे नहीं, देखते हैं, और फिसल जाएंगे तो कोई बात नहीं, एक दो फिट से ही तो गिरेंगे। एक दूसरे का सहयोग करके करवाओ, हाँ इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हाँ अब ये पैर उठा रही है ना तो हाथ फिसल जा रहे, पकड़ो हाँ ऐसे, और अब पैर नीचे लाओ, हाँ ये ये तो लग रहा है आज का चैलेंज हो जैसे वर्षा योग करे। ये देखो ये छोरे गजब के भाई, शिव की शक्ति और भक्ति, ये तो वृश्चिकासन में भी नया कार्यक्रम रच रहे। और अरे बच्चे पढ़ना मत रे 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 बच्चे, ध्यान से चलो, जोरदार किया तो मसल्स के लिए एक तो सूक्ष्म व्यायाम करें ऐसे, और न्यूरोग्रिट इम्यूनोग्रिट ले, अश्वगंधा शतावर ले, अश्वगंधा या अश्वशिला ले, दूध में हल्दी शिलाजीत, दूध में थोड़ा हल्दी शिलाजीत अश्वगंधा शतावर उबाल के ले ले, मसल्स इतने जबरदस्त हो जाएंगे, बड़े जोरदार बोला दी। ये जो अंदर योग कर रहे हैं ना, ये अंदर अंदर से मंद मंद मुस्कार है के बाबा जी अब तुमको भी बाहर फेंकने वाला हूं। आंधी तूफानों में ऐसे तभी तो फौलाद बनेंगे, लोहा तो बनेंगे। सबके मजबूत कर दिए हैं, दूध में हल्दी सलाजित अश्वगंधा शतावर इम्यूनोग्रिट नीरोग्रिट कचब हो। अच्छा आज ज्योत्सना जहाँ योग कर रही हैं, ये बहुत ज्यादा उमस महसूस कर रही होंगी क्योंकि यहाँ तो बारिश हो नहीं रही है, लेकिन स्वामी जी उमस की वजह से उन लोगों की परेशानी बढ़ जाती है जिन्हें जोड़ों का दर्द होता है, गठिया की दिक्कत होती है, उनके लिए इस मौसम में क्या करने की जरूरत है? ज्योत्सना तो हमारी लोहा लाट है, इन्हें उमस का कोई फर्क पड़ता नहीं है इनके शरीर पर। जैसे आसमान में बादल छा रहे हैं ना, अरे भाई नीचे से एक फ्रेम बनाओ देववाणी जी और जो है देवस्तुति जी के साथ, बादलों के साथ, क्या बात है, हाँ इधर से आसन और उधर से पीछे बादल और गरजते हुए बरसते हुए मेघ, चमकती हुई बिजलियां, सब कुछ हो रहा है। तो आसमान में जब मेघ होते हैं ना तो जोड़ जाम हो जाते हैं, उसके लिए अलवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी और सहजना, इन पांच चीजों का रस या पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट चंद्रप्रभा या गोक्षरादि या योगराज महायोगराज त्रयोदशांग आदि गुग्गल, ये साथ में ले ले तो गूगल से। और हाँ दही छाछ नींबू चाट मट, बरसात में दही नहीं खाना और दही बड़ा तो कतई नहीं खाना। तो स्वामी जी क्यों ये भी बता दीजिए, क्योंकि मुझे तो पसंद है, पकोड़ा खा सकते आज हमने, पकोड़ा समोसा जलेबी हलवा सब बना रखा, लेकिन वो भी जलेबी एक से ज्यादा नहीं खाना, पूरी भी पूरी पूरी एक खाना। स्वामी जी आप विवरण दे रहे हैं कि हमारी परीक्षा ले रहे हैं स्वामी जी। हाँ परीक्षा ही समझिए, लेकिन दही वाली बात जो अमित पूछ रहे थे ना स्वामी जी, से थोड़ा सा विस्तार से समझने की जरूरत है। सलाइवा बढ़ा रहा हूँ, सलाइवा जितना मुंह में ज्यादा बनेगा उतना डाइजेशन अच्छा रहेगा।